करते हैं भाई अंदर। टाइम भी कभी हुआ, मतलब 12 बजे तो अपना ये आया अभी मिक्स अचार। और ये क्या है भैया? मीठा अचार। पराठे बनाए हैं, सुबह नाश्ता करके निकले, जल्दी निकल गए थे शिवा ढाबे पर। ये बेहतरीन वाली थी, बिल्कुल ऑर्गेनिक। ये देखिए आप, जमी हुई बिल्कुल मिट्टी के बर्तन में, बेहतरीन ही। और पराठे हो रहे हैं गरम गरम, बस भूख लगी हुई है, बेहतरीन वाली। आ गए अपने गर्मा गर्म पराठे। भाई भाई आपका नाम बताना। दीपक भाई। ये देखिए बहुत बेहतरीन पराठा है, आलू प्याज का पराठा विद अमूल बटर, बिल्कुल फ्रेश एकदम गर्मा गर्म। दही है, ऑल इन स्टफ्स करते हैं भाई, भूख लगी है बहुत तेज़। यार व्लॉगिंग के चक्कर में ना उल्टे हाथ से तो कुछ भी नहीं होता। पहले लगाते हैं थोड़ा सा इस पर बटर, चिपक गया मेरा भाई। यार क्यों था हमारा बटर भी लगना नहीं चाह रहा इस पर, बटर भी लगना नहीं चाह रहा, पता नहीं क्यों क्यों नहीं चाह रहा। वाह बहुत तेज़ भूख लगी है, और पराठा देख कर तो भूख डबल हो गई बिल्कुल। लेते हैं दही। बेहतरीन एकदम ऑर्गेनिक टेक्सचर देखिए इस दही का, कितना मिट्टी के बर्तन की दही। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस बहुत बढ़िया अपना आ गया, बिल हो गया फिनिश, बेहतरीन खाना था एकदम शिवा ढाबा का। भाई दीपक भाई ने बहुत अच्छा करके खिलाया हमें। ये हमारी दही बन गई थी, मैंने मिर्ची डाली है, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। चलते हैं भाई, ये अपना है छोटा सा शिवा ढाबा। गाड़ी किधर है अपनी? सो फ्रेंड्स, खाना वाना हो गया अपना, चलते हैं गाड़ी में और करते हैं कंटिन्यू अपनी जर्नी दिल्ली के लिए। मौसम दिल्ली का आज बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो अपने यूपी में, दिल्ली में और उत्तराखंड में कुछ पूरे हफ्ते का रेड अलर्ट भी है बारिश का, और ये बारिश का मौसम हो रहा है बहुत अच्छा था। और बारिश का अभी बारिश लेकिन पड़ नहीं रही है, सुबह तो मॉर्निंग में निकला था बिजनौर में तो अच्छा मौसम था, यहाँ पर बारिश वाला मौसम है, काफ़ी जगह फ्लड्स आए हुए हैं अभी दोबारा। पिछले महीने तो मनाली हिमाचल में खूब जोरों शोरों से बारिश वारिश पड़ी थी, तबाही आई थी, पूरा बादल वादल बन रहा था। अभी फिर देखो हमारी साइड उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है हल्द्वानी वगैरह, दिल्ली में फिर अलर्ट है कि यहाँ फ्लड आ सकता है। सो मौसम काफ़ी अच्छा है, बस ऊपर वाला खैर की बारिश करे, मतलब परेशान ना हो सब लोग, उतर पुतल जो हो जाता है वो बस ज़्यादा ना हो, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ। और दिल्ली में हो गया एंटर। तो भाई पहुंच गए रेलवे स्टेशन पर निज़ामुद्दीन, और ये खड़ी है वंदे भारत झांसी। देखिए वंदे भारत का आप देख लीजिए दृश्य। अभी बजा है 2:30 बजे, अभी 4:30 पर अपनी ट्रेन है गरीब रथ। सो 4:30 बजे ट्रेन का वेट करते हैं, फुल सीट्स बैठते हैं यहाँ पर। ये देखिए फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, मेरी चैनल पर पहली बार वंदे भारत का नज़ारा देखिए आप लाइव। मैंने खुद आज ही पहली बार देखी है वंदे भारत का, बहुत नाम सुना है, ट्रेन तो अच्छी लग रही है देखने में। ये भी दिल्ली से मुंबई स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब इसमें सफ़र करना है इसका भी। इस बार इसका सर्च करूँगा दिल्ली से मुंबई रूट है कि नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा या वापस आऊँगा जब मुंबई से, सो इसी से आऊँगा, इसका भी देखते हैं कैसा सफ़र है। तो मैंने अभी इंक्वायरी की है इसकी वंदे भारत की, मतलब अभी ये दिल्ली मुंबई रूट पर नहीं चली है, जिस दिन भी ये स्टार्ट होगी पहला सफ़र मेरा होगा इस वंदे भारत पर, मतलब मेरे के साथ साथ और भी लोग होंगे, मतलब जिस दिन भी ये लॉन्च होगी मतलब स्टार्ट होगी दिल्ली से मुंबई के लिए वंदे भारत, अभी ये इस रूट पर चली नहीं है अभी, ठीक है इंक्वायरी में पता चला, तो जब भी ये स्टार्ट होगी तो पहला सफ़र बिल्कुल करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस
वंदे भारत को बाय बाय करते हैं, वंदे भारत निकल गई है और कुछ ही समय बाद बस अपनी ट्रेन आने वाली है यहाँ से। वंदे भारत झांसी के लिए निकल गए थे जी, वंदे भारत जा रही है अपनी। इस भाई ने ठेका लिया था इसका बैग पैर सही करने के लिए, उससे नहीं हुआ उन्हें बुलाया अपने एक्सपीरियंस खिलाड़ी को, उनसे नहीं हुआ, ये तीसरा रुका है इसने, तीन लोग लगे हुए इनसे एक पहिया सही नहीं हो रहा मतलब। अब ये भैया आगे लगे हैं, कुछ ये दिखाएंगे कारीगरी। ये भाई का बैग है, ये आगे बोला भाई मैं सही कर दूँगा, मैं कहा ठीक है कर दो, फिर इससे नहीं हुआ था काफ़ी टाइम घोरात करने के बाद उनको बुलाया, फिर देन इनको अब ये नया है देखो क्या करते हैं, कुछ करते हैं कि नहीं, फिर चेंज कराने दे भी। ये मैं थोड़ा घट से भाई ने फाइनली इसको काट लिया इतनी मेहनत के बाद, भाई एक्सपीरियंस लगता है इन्होंने थोड़ा सा इन्होंने कर दिया अभी ब्लॉग, अब लग रहा है कि इनका भाई का हो जाएगा, बहुत ही भाई का सही भाई, भाई ने कर दिया फिट। लोकल लगाने वाले बहुत दूर रहेगा, लोकल और भी लोकल ये लोकल ही है और भी भैया क्या क्या आती हो गया सही। हो गया अपनी फ्रेंड ट्रेन का सिग्नल, गरीब रथ, ये गरीबों का रथ है लेकिन एक भी गरीब आदमी इसमें सफर नहीं करता है, फुल्ली एसी है ट्रेन भाई, चल गई ट्रेन ये स्टार्ट टुवर्ड्स मुंबई ट्रेन, निजामुद्दीन से निकल गए भाई टुवर्ड्स मुंबई। स्टेशन से निकल गई, बैठी अपनी सीट पर, ये हमें छोटी सी फ्रेंड मिली है, हाँ बिल्कुल ये हमसे बोल रही है आप मेरे फ्रेंड बनेंगे, तो हमने इनको बना लिया ट्रेन का फ्रेंड छोटा सा। हाँ अपना नाम बताइए आप, हर्षिका ईवा, हाँ नाइस नेम, ये हर्षिका हमें हमारी फ्रेंड बनी है ट्रेन में, ट्रेन जर्नी में बहुत क्यूट सी, इसको हम मुंबई घुमाएंगे मुंबई जाकर, एकदम वीक चालू है 15 अगस्त है परसों, तो हमारी गुड़िया ने पहनी है तिरंगा चूड़ियाँ। कोटा जंक्शन पर अभी आए हैं, रात के बजे 9:30 और कोटा पर ये लिया है पकौड़िया, यहाँ पर कोटा में मतलब खाना बुक किया था अपना, यही शायद यही है हमार पंजाबी, यहाँ ये आ गया खाना भी थोड़ी की होगी ठीक है भाई, ये भाई लिया है खाना अपना, बहुत भूख लगी थी यार, देखो वो सामने 9:28 9:30 पर पहुंची है कोटा अपनी, ये अपने भोगी है जीवन सामने, जीवन और जीवन में अपनी सीट है, सब खाना वाना खाएंगे फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। भाई कोटा से अपने बाहर से खाना बुक किया था, खाना ले लिया, चलते हैं अंदर और ट्रेन भी चलने वाली है, ये अपना है अपनी सीट है इधर, हाँ बेटा बोलो, हाँ ले लो लो, ये भाई का दोस्त का हेलमेट, खाना खाते हैं ये भाई अपनी खा लिए, अमर पंजाबी की कोटा की मशहूर बेहतरीन एक नंबर, अमर पंजाबी फेमस ऑफ कोटा की फेमस थाल, दिखा देता हूँ आपको कैसे, ये है भाई पूरी थाल, ये देखो खाते हैं खाने के बाद मिलते हैं, ये भाई हमारे पंजाबी की कोटा और ट्रेन भी हमारी चल दी ऑलमोस्ट, हाँ चली थी ट्रेन और साथ में दही भी है बेहतरीन, शीर के शीर
अल्टीमेट खाते हैं, फिर खाने के बाद मिलते हैं आपको। ये देखिए जीरा राइस है और ये गुलाब जामुन मिक्स वेज, ये शायद मिक्स पिकल अचार है, दाल है और शाही पनीर सैलड। ये क्या है, आयोडीन नमक, अच्छा सॉल्ट भी है और ये दही भी है। कुल मिला के बहुत अच्छा। स्पून नैपकिन है, क्या है बम्बैया, अच्छा माउथ फ्रेशनर भी है बाद में खाने के बाद। हाँ अमेजिंग यार। ये भाई अमर भाई की दही, एक नंबर यार। ट्रेन में अगर खाना खाना है तो बस ये थाली मंगाओ। और ये बहुत बेहतरीन वाली चपाती, दाल, एक नंबर भाई। सब लोग लेट चुके हैं, टाइम हो गया लेटने का। अपना भी बिस्तर है रेडी, चादर भिज गई अपनी और ब्लैंकेट इधर, सब अपना हो गया भाई। हम भी आ गए अपनी सीट पर। ये अपनी ट्रेन का व्यू है, रात हो गई है तो बाहर का कुछ दिख नहीं रहा है और एसी बहुत चिल्ड है यार। सोते हैं अभी, फिर सुबह पहुँचेंगे मुंबई।